तो यहाँ पे आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1,16,503 का लोन अप्रूव हुआ है और अकाउंट में जो पैसा आया 1,13,816 रुपया आया है। और इसका प्रूफ आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ये 1,13,816 रुपया है, यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंक का स्टेटमेंट आपके सामने है। 1,13,816 रुपया 23 सितंबर 2023 को अकाउंट में आ चुका है हमारे सब्सक्राइबर के अकाउंट में। तो यहाँ पे जो ये 1,16,000 का लोन यहाँ पे मिला है उसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 1,13,816 रुपया अकाउंट में आ चुका है। दोस्तों यहां पे जो ये लोन ऐप है, आपको कोई भी आधार या पैन कार्ड नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। नो आधार, नो पैन, नो केवाईसी, कोई इनकम प्रूफ भी नहीं देना है आपको। यहाँ पे कोई सैलरी स्लिप या बैंक का स्टेटमेंट भी नहीं देना है। और यहाँ पे अगर आपको सिविल जीरो है तब भी आपको यहाँ पे ये 1,00,000 का लोन मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जरूर कोई फ्रॉड ऐप होगी। दोस्तों जी नहीं, आज कोई फ्रॉड ऐप नहीं है, ये रियल ऐप है। तो दोस्तों इस ऐप के मिलियंस में डाउनलोड है, ये कोई फ्रॉड ऐप नहीं है। यहाँ पे आपको बिना आधार, बिना पैन के, बिना इनकम प्रूफ के जीरो सिविल पे आपको लोन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे मिलेगा, ये रियल ऐप है। आज आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, आपको फुल प्रोसेस के साथ अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे अपने अकाउंट में आप जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पे ये 1,00,000 का लोन आप 5 साल के लिए यानी 60 महीने तक के लिए भी ले सकते हैं, बहुत ही कम ब्याज पे आपको ये लोन मिल जाएगा। तो इसी न्यू लोन ऐप के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, घर बैठे लोन लेना चाहते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, वो कोई आपको आधार पैन कार्ड भी नहीं देना है, इनकम प्रूफ भी नहीं देना, कोई डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है, तो आपको ये लोन कैसे मिलेगा सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। तो एक काम कर दो, पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @vinayalv0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर बार यूट्यूब पे नहीं बोलता हूँ। दोस्तों अगर आप जीरो बैलेंस में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप AU बैंक में खुलवा सकते हैं। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जितनी कितना ही पैसा रखो इसमें, कितना ही पैसा ट्रांसफर करो, कोई फीस लगती है, UPI करो, नेट बैंकिंग करो, IMPS करो, RTGS करो, नेफ्ट करो, कुछ भी करो, कोई पैसा नहीं कटता है। और हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में ब्याज आ जाता है और बैंकों के मुकाबले यहाँ ब्याज भी जाता है। बहुत अच्छी बैंक है। कोई समस्या अगर आपको, तो घर बैठे इंप्लॉय आपसे वीडियो कॉल बात करके आपकी समस्या को सुलझाएगा। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा लगेगा बैंक घर पे ही आ गया। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अकाउंट ओपन करने का, आप तुरंत अप्लाई करें और अकाउंट ओपन करें। बहुत अच्छी बैंक है, एक बार जरूर ट्राई करें, ठीक है। कोई आपका ज्यादा चार्जेस वार्जेस भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ फ्री है, ठीक है, जरूर अप्लाई करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी ऐप है जो आपको 1,00,000 का लोन घर बैठे बिना किसी आधार, बिना किसी पैन के दे देगी। कैसे आपको अप्लाई करना, मैं आपको बकायदा अप्लाई करके दिखाऊंगा। चलिए आप तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ जहां से आपको 1,00,000 तक का लोन मिल सकता है। वो आपके प्रोफाइल और सिविल को डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन यहाँ पे अप्रूव होकर आ रहा है। यहाँ पे आपको 4,00,000, 5,00,000 तक का भी मिल सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा 1,00,000 की, क्योंकि 1,00,000 का ही हमारे जो सब्सक्राइबर को लोन अप्रूव हुआ है 1,16,503 का। ग्रो स्टॉक म्यूचुअल फंड UPI, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह यहाँ पे सारा आप मैनेज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, शेयर मार्केट का पूरा यहाँ पे आपको पैसा लगाने का, पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का पूरा यहाँ पे तामझाम है। खैर हमको इससे मतलब नहीं है, ये आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। हम बात करेंगे लोन की, चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी डाउनलोड चेक करा दूं। 50 मिनट डाउनलोड से 4.3 की रेटिंग है। अबाउट दिस ऐप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का यहाँ पे जो है टर्न टाइम मिल जाता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, यहाँ पे APR की बात कर लें, प्रोसेसिंग फीस की बात कर लें, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे जो उसकी NBFC, IDFC, फर्स्ट बैंक है, आदित्य बिरला ग्रुप है, और ये न्यू बिलियन करके बिलियन ब्रेंस गर्गेज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इसकी NBFC है। यहाँ पे ये NBFC होगी, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या टर्न टाइम है, हर चीज जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सीधे लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही से जानकारी मिल जाए, क्या टर्न टाइम है, क्या प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे 50,000 का लोन लेते हैं 1 साल के लिए, आपको 49,000 अकाउंट में आएगा, 54,156 का रिपेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कितना कम इंटरेस्ट लग रहा है, कितना कम प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बिना आधार, बिना पैन के जीरो सिविल पे और बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन कैसे मिलेगा, वो आपको वीडियो को लास्ट में समझाऊंगा। चलिए आपको सीधे मैं लोन ऐप पे लेकर चलता हूँ, यानी ग्रुप पे लेकर चलता हूँ। अब लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है आपको सीधे वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर। चलिए यहाँ पे ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप ओपन हो चुकी है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कई तरह के शेयर मार्केट की चीजें बनकर आ रही है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसा करके। तो हमें इससे मतलब नहीं है। नीचे आप देख पा रहे हो कि 4 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, पे लोन। चौथे नंबर पे आपको लोन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एरो कर देना, इस लोन सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन बन के आ रहा है, लिख के आ रहा है 1,16,503 का, ठीक है। यहाँ पे नो पेपर वर्क है, 0 क्लोजर चार्जेस है, ठीक है। तो इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू विद 1,16,503 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन है, उसको पढ़ लेंगे, उसको यहाँ पे पढ़ के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे आप देख पा रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है एंटर न्यू अमाउंट, मतलब यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से लोन अमाउंट को चुन सकते हैं। अगर आपको 50,000 के लोन की आवश्यकता है तो 50,000 को सेलेक्ट करके यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इसको मैं काट के 50,000 डालूंगा, 50,000 डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50,000 के यहाँ पे आपके जो ईएमआई है वो यहाँ पे बन के आ चुकी है। आप 6 महीने की ईएमआई, 24 महीने की ईएमआई, 60 महीने की ईएमआई और कस्टम ईएमआई, मतलब आप अपने हिसाब से भी ईएमआई को चुन सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितना लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, कितनी ईएमआई को सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से आप चुनकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे 50,000 का लोन नहीं लेना, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। चलिए मैं यहाँ पे 1,16,000 के लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 1,16,503 लिख के आ चुका है। चलिए कंटिन्यू विद पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। 1,16,503 है, आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने 1,16,503 के हिसाब से कई सारी मतलब टर्न टाइम आ गए हैं। देखिए 6 महीने के टर्न टाइम पे ले सकते हैं, 24 महीने के और 60 महीने के और कस्टम ईएमआई, मतलब यहाँ पे टर्न टाइम खुद से भी चुन सकते हैं। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए, यानी 5 साल तक का चाहिए आपको धीरे धीरे चुकाना, तो आप 5 साल का भी टर्न टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी ऑप्शन आ रहा है, 6 महीने का भी कर सकते हैं। लेकिन बात का ध्यान रखिएगा, जितना टर्न टाइम को आप सिलेक्ट करेंगे उतना आपको ब्याज अधिक देना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि 60 महीने के मतलब बहुत अच्छी बात है, अरे भैया यहाँ पे अगर ईएमआई कम हो रही है ना तो आपको ब्याज भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा। अगर 6 महीने का ले रहा है तो आपको यहाँ पे ब्याज कम देना पड़ेगा। तो हमेशा ईएमआई जो टर्न टाइम है उसको कम ही रखिएगा। मैं आपको अपनी पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे टर्न टाइम कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टर्न टाइम को यहाँ पे जो आगे पीछे जाने के अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 महीने का टर्न टाइम सेट कर लिया। अब यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए यहाँ पे लोन लेते हैं तो आपको जो ईएमआई बनेगी 20,313 की बनेगी, 14% का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल इंटरेस्ट 5,375 का है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2,687 लगेगी। 23 सितंबर को यहाँ पे विड्रॉल जो है यहाँ पे आपका आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फर्स्ट ईएमआई 5 नवंबर 2023 को यहाँ पे जो आपको लगेगी, जो की 5 नवंबर जो भी निकल चुकी है, ठीक है, ईएमआई यहाँ पे लग भी चुकी है उनको मैं सब्सक्राइबर को। और लास्ट ईएमआई हो गया कि 5 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 6 महीने के हिसाब से 6 महीने 12 दिन के लिए यहाँ पे आपको मिलना है। यहाँ पे आप जो भी टर्न टाइम को सेट करेंगे उसकी डिटेल्स भी आप इस तरह से पूरी दे सकते हैं और बाद में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे रिपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देगी, कौन सी डेट पे कितना अमाउंट यहाँ पे जो आपके किस्त का जाएगा, कितना ब्याज लगेगा, सब जानकारी आप यहाँ पे आपको मिल सकती है। इस तरह से आप यहाँ पे पूरा अपने रिपेमेंट शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो 24 महीने के हिसाब से डिटेल्स निकल के आ गई। यहाँ पे आपको क्या ईएमआई लगेगी, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या यहाँ पे आपको विड्रॉल है, क्या फर्स्ट ईएमआई है, क्या लास्ट ईएमआई है, लोन टर्न टाइम क्या है, सब कुछ लिखा चुका है ये 2 साल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप जो भी टर्न टाइम सेट करेंगे आप उसकी डिटेल्स को हैंड टू हैंड देख पाएंगे और आपको लगता है कि मेरे अनुसार ये सही है, मैं इस टर्न टाइम पे लोन चुका सकता हूँ, किस चुका सकता हूँ, तो यहाँ पे उस टर्न टाइम को सिलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बैंक को सिलेक्ट करना होगा, जिस बैंक में हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए और उसी बैंक से हमारे जो है किस ऑटोमेटिक कर जाए, जिसको हम बोलते हैं ई मैंडेट सेट ऑटो पे, मतलब कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से किस कट जाएगी। चलिए यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, बैंक डिटेल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने बैंक डिटेल डाल दिए, तो चलिए यहाँ पे अपना सेटअप ऑटो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक में 1 रुपया डाल के हमारे बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा चुका है। तो हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम दोबारा से सेटअप ऑटो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई मैंडेट जो सेटअप ऑटो पे हो रहा है वहाँ पे हमारी जो डिटेल्स है लोन की साइड डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से हमें लोन दिया जा रहा है क्योंकि ये जो है ग्रो की NBFC है, ठीक है, यहाँ पे हमारी साइड डिटेल्स आ चुकी है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों में से आप किसी के भी द्वारा जो है यहाँ पे ई मैंडेट लगा सकते हैं ऑटोमेटिक, जो किस आपके अकाउंट से कट जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप डेबिट कार्ड से करिएगा, डेबिट कार्ड से जो है आपको यहाँ पे करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम सेटअप ऑटो पे अपने डेबिट कार्ड से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे टर्म और कंडीशन टिक मार के सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रोसेस चलेगा, वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी जो है पूरी डिटेल्स बनके आ चुकी है, यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह है और यहाँ पे जो लोन डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिख के आ चुका है। यहाँ पे हमें अपना डेबिट कार्ड का नंबर, सीवी नंबर डाल के और OTP डाल के यहाँ पे जो है प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। चलिए यहाँ पे इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अपना कार्ड नंबर और सीवी नंबर डाल के जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे। OTP आ चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये OTP डाल दिया है और वेरीफाई पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा, इसको आपको छूना नहीं है, ये अपने आप ही आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे आपका लोन बन गया जाएगा 1,16,503 को कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे जो भी आपकी ईएमआई है आप उसको चेक कर सकते हैं और अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ईएमआई है हम लेंगे 24 महीने के हिसाब से, मैं सब्सक्राइबर ने 2 साल के लिए लोन लिया तो 24 महीने को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा, उसका वेट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी सेल्फी देनी होगी, चलिए सेल्फी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर सेल्फी दे रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने सेल्फी दे दी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फोटो क्लिक कर लिया है अपना, तो उनका फोटो मैं फिलहाल ब्लर कर दिया, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर का है। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेल्फी दे दी सक्सेसफुली, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा लोन डिटेल बन के आ चुका है। 1,16,503 का लोन है यहाँ पे जो अकाउंट में आएगा, 1,13,816 का आएगा, जो कि मैं आपको वीडियो को शुरू में अकाउंट का प्रूफ दिखा चुका हूँ, अकाउंट में पैसा आ भी गया है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, यहाँ पे मंथली ईएमआई कितनी है 5,620 की, 2 साल के लिए लोन मिला है, यानी 24 महीने के लिए लोन मिल रहा है। पहली ईएमआई 5 नवंबर 2023 को आपको कट जाएगी और जो की कट चुकी, इसी महीने की पहली ईएमआई 5 तारीख को कट चुकी है और ये बैंक अकाउंट जो भी है इसको मैंने ब्लर कर दिया, दिखाना नहीं चाहता हूँ, इस बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। चलिए अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।
तो चलिए यहाँ पे अकाउंट में पैसा लेने के लिए कंप्लीट विड्रॉल पे क्लिक करना होगा। और आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे लिखा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, ये जो लोन मिल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिला है, जो कि ग्रो की NBFC है। ग्रो की 3-4 NBFC, उन्हीं NBFC में से एक ही NBFC जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ग्रो की NBFC कौन कौन सी। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू विड्रॉल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी NBFC से लोन मिला है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर वो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे कंप्लीट विड्रॉल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रोसेस चलेगा योर मनी ऑन द वे, हमारी मनी जो अकाउंट में जा रही है थोड़ा सा समय लग रहा है, वो रास्ते में हमारी पूरे प्रोफाइल वगैरह वो सब कुछ चेक किया जाएगा। अब नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे कि आप ये लोन क्यों ले रहे हैं, तो वो जो भी पर्पस है आपको, जो भी रीजन है, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1,13,816 रुपया योर लोन इज बीइंग प्रोसेस्ड, मे बी टेक अप 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा डाल जाएगा। लगभग एक घंटे के अंदर यहाँ पे अकाउंट में पैसा आया, तो हमारे सब्सक्राइबर के अकाउंट में जो है 35 मिनट में पैसा आ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बहुत ही जल्दी लोन डिसबर्स होता है अगर आपका सब कुछ ठीक है। तो जो ये लोन आया है, अब मैं आपका उसका बैंक का प्रूफ फिर से दिखा देता हूँ। तो ये बैंक का मैसेज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसबर्स हुआ है 1,16,503 का कट पीट के 1,13,816 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है, वही बैंक अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2023 को ये लोन मिला है। उन्होंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी है, अपना यहाँ पे ये बैंक का प्रूफ भी भेजा है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे बात आती है कि ग्रो से बिना आधार बिना पैन के नो इनकम प्रूफ जीरो सेल पे लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रो में कैसे मिलेगा। तो दोस्तों जो ये ग्रो ऐप है ये एक डीमैट अकाउंट है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो ग्रो में क्या है, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपना आधार पैन कार्ड लगाना होगा, आपको अपनी आधार और पैन कार्ड से फुल KYC करनी होगी। उसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और जब आप यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, इसको जब अच्छे से यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेगा ग्रो, आपके लेन देन को देखते हुए आपको यहाँ पे लोन का ऑफर प्रोवाइड करेगा, लोन का ऑफर प्रोवाइड करेगा। और जो मैंने आपको NBFC बताई, ये जो 4 NBFC बताई, IDFC बैंक आ जाती है और ये निवलून करके ग्रो करके, ये 4-5 NBFC में से कोई ना कोई NBFC आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। जैसे हमारे सब्सक्राइबर को IDFC बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया 1,00,000 का। दोस्तों यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर है वो डीमैट अकाउंट में काफी अपना लेन देन करते रहते हैं, यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तभी उनको यहाँ पे 1,16,000 का लोन का ऑफर मिला है। ये हर किसी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड पैन कार्ड पहले ही लगा दिया डीमैट अकाउंट खोलने पर, तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने कहा कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं अगर आप ये लोन ले रहे हैं, तो ये ग्रो ऐप जो आपको खुद प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पहले से ही लगा हुआ है जब आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया था। और यहाँ पे आपको लोन का ऑफर मिल रहा है, इन्होंने आपका लेन देन देखा, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी इनकम तो वहीं दिख गई, तो इसलिए इनकम प्रूफ भी नहीं मांग रहा है और सिविल की जरूरत ही नहीं है। जब ये खुद ही लोन का ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, आपके लेन देन को देखते हुए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो आपका एक तरह का इनकम ही तो होगी, जब इनकम होगी तभी तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सिविल का मैटर ही नहीं करता। तो जीरो सिविल पे, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि जीरो सिविल पे लोन मिल जाएगा। तो आधार कार्ड पैन कार्ड आपका ऑलरेडी लगा है, यानी ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन मिल रहा है, आप ये भी कह सकते हो। तो आपको जब लोन अप्लाई करोगे तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, ओनली सेल्फी पे आपको लोन मिल जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपको पहले से लग गया ना, जब आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया था ग्रो में, ठीक है ना, कि वैसे आपकी पहले ही हो गई। अब जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो आपका इनकम प्रूफ हो गया, और सिविल से कोई मतलब ही नहीं है। जब आप लेन देन अच्छा कर रहे हो तो सिविल से क्या मैटर है यार, जब हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे सिविल का मैटर नहीं होता, केवल आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाता है, तो सिविल का भी कोई मैटर नहीं है। जीरो सिविल पे आपको इस तरह से लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोन तब मिलेगा, ये 1,00,000 का 2,00,000 का 10,000 का 5,000 का, वो आपके प्रोफाइल और सिविल को डिपेंड करता है। जब आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तभी यहाँ पे आपको लोन का ऑफर मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर आप ग्रो से लोन लेना चाहते हैं तो ग्रो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, पहले वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे अकाउंट ओपन करिए डीमैट अकाउंट को आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के, और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लगाइए, उसके बाद आपको लोन का ऑफर मिलेगा, तभी आप लोन ले पाएंगे, डायरेक्टली आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पे इतना काम नहीं करना है, आपको इतना कौन करेगा, हम डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा रहे, ये है वो है, हमें डायरेक्ट लोन चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई कर सके, तो आपको मैं दो सजेस्ट करता हूं, टू बैलेंस और ना भी, दोनों में आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टू बैलेंस में आपको 1,000 से लेकर 20,000 तक लोन मिल जाएगा, ना भी में आपको कैश ऑन पे क्लिक करके 25,000 से लेकर 30,000 तक लोन मिल जाएगा 9 महीने की EMI पर। दोनों में ऑप्शन दे दिए, इसके अलावा और भी लोन ऐप्स की मैंने लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे वहां पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसी जरूरत हो, ठीक है। तो उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई। तो इस तरह से ग्रो ऐप से बिना आधार बिना पैन के जीरो इनकम प्रूफ पे जीरो सिविल पे लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।